हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार गुप्ता आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूं जो मेरा पार्ट 3 है कंप्यूटर नेटवर्किंग का। इससे पहले हम लोगों ने कंप्यूटर नेटवर्किंग के 2 वीडियोस देख लिए हैं। पहले वाले में आपको कंप्यूटर नेटवर्क के फीचर्स और इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया था। सेकेंड पार्ट में मैंने आपको कंप्यूटर के आर्किटेक्चर में पीर टू पीर और क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर के बारे में बताया था। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्किंग का प्रकार टाइप्स, और ये जो टाइप्स होगा ये साइज और डिस्टेंस के आधार पे होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, इसमें मैं आपको बहुत ही अच्छी जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का वीडियो हमारा पार्ट 3 है। आज का जो क्लास होगा वो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क पे होगा। तो देखिए, हमारा जो कंप्यूटर नेटवर्क है इसका जब हम लोग निर्माण करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं या डिवाइसेस हैं जो आपस में कनेक्ट होंगे उनकी साइज क्या है, माने उनकी दूरी क्या है, डिस्टेंस क्या है। क्या एक कंप्यूटर एक जगह पे हो और दूसरा कंप्यूटर हो सकता है 2 मीटर के दूरी पे हो, या हो सकता है 200 मीटर के दूरी पे हो सकता है 20 किलोमीटर के दूरी पे हो। तो ऐसे सिचुएशन पे हमें डिसाइड करना होता है कि हम किस प्रकार के नेटवर्क का प्रयोग करें। तो हमारे कंप्यूटर नेटवर्किंग को डिस्टेंस के आधार पे 3 प्रकार का बताया गया। यहां मेनली सब पे आप जोर देके देखिएगा, इन 3 के अलावा भी कैटेगराइजेशन है, क्योंकि जैसे से मॉडर्न कंप्यूटर्स आते हैं, टेक्नोलॉजीज आते हैं, तो कुछ नए नए भी चीजें आती हैं। पर मुख्यतः 3 प्रकार के हमारे कंप्यूटर नेटवर्क हैं और ये बेस्ड ऑन देयर साइज है, माने डिस्टेंस है। लोकल एरिया नेटवर्किंग, मेट्रोपोलिशन एरिया नेटवर्किंग और आपका वाइड एरिया नेटवर्किंग। तो देखिए, लोकल एरिया नेटवर्क को हम लोग संक्षिप्त में लैन के नाम से जानते हैं, और इसके नाम से ही पता लग रहा है कि अगर आप अपने कंप्यूटर या डिवाइसेस को एक सीमित दायरे में कनेक्ट करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा लार्ज डिस्टेंस नहीं है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग लोकल एरिया नेटवर्किंग माने लैन का प्रयोग करते हैं। क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क इज ए ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स कनेक्टेड विथ ईच अदर इन ए स्मॉल प्लेसेस सच एज स्कूल, हॉस्पिटल, अपार्टमेंट, कंपनी, फैक्ट्री। तो लोकल एरिया नेटवर्किंग जो होता है, इनमें हम लोग कंप्यूटरों को कनेक्ट करते हैं मगर एक छोटे जगह पे, माने इनकी साइज, इनका डिस्टेंस ज़्यादा ना हो। जैसे कोई कॉलेज है, कोई हॉस्पिटल है, कोई बिल्डिंग्स है, कोई रूम है, वहाँ अगर हमें कंप्यूटर कनेक्ट करने होंगे तो हम लोग लोकल एरिया नेटवर्किंग का प्रयोग करते हैं। लैन इज सिक्योर बिकॉज देयर इज नो आउटसाइड कनेक्शन विद द लोकल एरिया नेटवर्किंग। यानी कहने का मतलब यह है कि जब आप लोकल एरिया नेटवर्किंग करते हो तो वह आपका खुद का नेटवर्क होता है, उसमें कोई आउटसाइडर नेटवर्क या नोड या कंप्यूटर नहीं सम्मिलित होता है, इसलिए यह ज्यादा सिक्योर होता है। और इसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा होती है, चूंकि ये कम दूरी में कंप्यूटरों को कनेक्ट करता है, तो इसका जो स्पीड होगा डेटा सेंडिंग और रिसीविंग का वो बहुत फास्ट होगा। और लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्किंग में हम लोग मुख्यतः तार के माध्यम से कंप्यूटर को जोड़ते हैं, पर अब आप बिना तार माने डब्ल्यू लैन जिसे बोलेंगे, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्किंग, उनके माध्यम से भी हम इन्हें कनेक्ट कर सकते हैं। कुल मिला के अगर एक सीमित दायरे में एक बिल्डिंग, एक कॉलेज, एक स्कूल, एक इमारत में हम कंप्यूटर को कनेक्ट करेंगे तो वह हमारा लोकल एरिया नेटवर्क होगा। अब एक होता है मेट्रोपोलिशन एरिया नेटवर्क, मैन। ये लैन का बड़ा रूप होता है और वैन का छोटा रूप होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई एक कॉलेज है, उस कॉलेज का एक लिमिटेड एरिया है, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर में पूरा कैंपस है, तो वहां हम लोग लोकल एरिया नेटवर्किंग का प्रयोग करते हैं। पर मान लेते हैं कि कोई एक बड़ा शहर है और उस शहर के कई अलग अलग लोकल एरिया नेटवर्क को कनेक्ट करके एक बड़ा नेटवर्क हमें बनाना है इंटायर सिटी का, तो वो मैन का रूप धारण कर लेता है। इसका सबसे बेस्ट उदाहरण होता है केबल डिसकनेक्शन। जैसे किसी एक शहर में कोई एक कॉन्ट्रैक्टर होता है जो इन्वेस्टमेंट करके एक कंट्रोल रूम बनाता है, डिशेस छतरी वगैरह लगाता है और पूरे शहर को
वो अपना कनेक्शन बांट के डिस्क के प्रसारण को रिसीव कराता है। तो वो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। तो मैन नेटवर्क कवर्स लार्जर एरिया बाय कनेक्शंस लैंस टू ए लार्जर नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। इन मैन वेरियस लोकल एरिया नेटवर्क्स आर कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू टेलीफोन लाइंस। द साइज ऑफ मैन इज लार्जर देन लैन स्मॉलर देन वैन। माने ये लैन से बड़ा होता है और वैन से छोटा होता है और इसमें कई लैन को कनेक्ट करके आप एक शहर के स्तर पे अपने कंप्यूटरों को टाउन पे पूरा कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं अगर आपकी सीमा बढ़ जाए, आप स्टेट लेवल पे, आप कंट्री लेवल पे, आप कॉन्टिनेंट लेवल पे या होल वर्ल्ड में अपने कंप्यूटर को कनेक्ट करना चाहेंगे, तो उसके लिए जिस कॉन्सेप्ट का यूज होता है उसे हम लोग वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। तो इसकी कोई बाउंड्री नहीं है, कोई डिस्टेंस नहीं है, कोई साइज नहीं है। आप होल ओवर वर्ल्ड में इससे कनेक्ट कर सकते हैं कंप्यूटर को। इसका बेस्ट उदाहरण आपका इंटरनेट है या जो मोबाइल ब्रॉडबैंड है, जैसे 3G 4G, ये सारा इसका एक अच्छा उदाहरण है। तो वाइड एरिया नेटवर्क जो होगा ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होगा, ये साइज लैन और मैन से भी बड़ा होगा, ये पूरे देश को या महाद्वीप को, द्वीप को कनेक्ट करेगा या पूरे संसार को कनेक्ट करता है। इंटरनेट कनेक्शन इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। उसके अलावा एक और बताया गया है नेटवर्किंग का टाइप। जैसे अगर आप मेरे शुरुआत के बातों को याद करें तो मैंने बताया था कि मुख्यतः तीन प्रकार की हमारी नेटवर्किंग होती है, लैन मैन वैन। पर उसके अलावा भी और भी नेटवर्किंग बना दिए गए हैं, जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क, इसको पैन बोलते हैं। तो अगर आप अपने डिवाइसेस को 10 मीटर के दूरी में, 30 फीट के दूरी में कनेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क है। जैसे आपके पास में एक लैपटॉप है, आपने उससे प्रिंटर, मोबाइल, हेडफोन, अपने स्पीकर, प्रिंटर, वायरलेस कनेक्ट कर रखा है अपने ऑफिस में, तो ये आपका बन जाता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क जो होंगे इनमें हम लोग 10 मीटर तक अपने डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनल एरिया नेटवर्क इज यूज फॉर कनेक्टिंग द कंप्यूटर डिवाइसेस आप पर्सनल, माने इनका यूज किया जाता है डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए अपने यूज के लिए, माने कोई और नहीं शेयर करेगा। जैसे मेरा लैपटॉप है तो प्रिंटर मेरे पास वायरलेस है तो मैंने उसको कनेक्ट कर लिया, मैंने स्पीकर ब्लूटूथ के माध्यम से कनेक्ट कर लिया, तो वहाँ मैंने नेटवर्किंग की तो, मगर अपने पर्सनल यूज के लिए की, कोई और नहीं शेयर करेगा, तो वो पैन कहलाता है। थॉमस जिमरन मैन करके जो व्यक्ति थे, इन्होंने ही सबसे पहले ये आइडिया दिया था पर्सनल एरिया नेटवर्क का। तो ये इसका एक उदाहरण है हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्किंग। उसके अलावा और भी टाइप है, इनमें एक डब्ल्यू लैन है, माने वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क को आता है। ये लैन ही है मगर इसमें वायर का प्रयोग नहीं किया जाता है, वाईफाई वगैरह इसका सबसे बेस्ट उदाहरण है। कैंपस एरिया नेटवर्क, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, सिस्टम एरिया नेटवर्क, पासिव ऑप्टिकल लोकल एरिया नेटवर्क, इंटरप्राइज प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ये और भी रूप है। तो कुल मिला के कहीं ना कहीं ये एक तरह से लैन मैन वैन के ही कैटेगरी है। अब जैसे कैंपस एरिया नेटवर्किंग का मतलब हो गया कि जैसे आपका कोई इंजीनियरिंग कॉलेज है जो 10 से 15 किलोमीटर में, तो वहाँ लैन का तो हम यूज करेंगे मगर लैन को और इम्प्रूव करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा कंपोनेंट जैसे एम्पलीफायर या वगैरह लगाने होंगे उनके सिग्नल को बूस्ट करने के लिए, तो वो रूप बन जाता है कैंपस एरिया नेटवर्क का। तो ये आज का वीडियो था जिसमें मैंने आपको नेटवर्किंग के टाइप बताए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो आज का अच्छा लगा होगा। आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। आप मेरे वीडियो के बारे में कमेंट्स जरूर दिया करिए। आप मेरे वीडियो में कमेंट्स देंगे तो उससे मुझे पता लगेगा कि मैं कैसा वीडियो बना रहा हूं। तो आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। नेक्स्ट मैं आपके लिए जल्द ही एक नया वीडियो लेके आऊँगा। आपका दिन शुभ हो।